गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग को ईडो ग्लोबल 90 में स्वागत है। मैं पप्पू कुमार, मैं आप लोगों के लिए आज पुनः मैं भारतीय राज व्यवस्था और संविधान से संबंधित भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में मेरा यह सिलसिला चल रहा है। ये तीसरा वीडियो हुआ। मैंने पहला वीडियो में भारत की राष्ट्रीय ध्वज के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था, फिर भारत के राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के बारे में मैंने आप लोग को ऑलरेडी भाग टू में डिस्कशन कर चुका हूं। अब आइए, मेरा जो तीसरा वीडियो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, आज हमारा भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह हुआ है, साथ साथ भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, और साथ ही भारत के जो महत्वपूर्ण भारत का राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय मिठाई, राष्ट्रीय ध्वज गीत की बात करेंगे, तो उसी पर आज मेरा पूरा वीडियो है। दोस्तों, मैं आप लोगों को शुरू में बोल देता हूँ, यदि वीडियो आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए, और जितने भी आपके मोबाइल में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप है उसमें डालिए। मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए, आप अगला पॉइंट ये कहना चाहते हैं, आप जब भी वीडियो को देखते हैं तो एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, जो कि मैं बहुत सारी चीज इस पर लिखा हूँ और बहुत सारी चीज नहीं लिखा हूँ, तो मैं जब बोलूँ तो आप वीडियो को पॉज करके, स्टॉप करके इस बात को लिख लीजिए, और एक प्रॉपर जितना भी मैंने वीडियो भारतीय राज व्यवस्था और संविधान से वीडियो डाला हूँ, लगभग 10-15 वीडियो और डालूंगा, इसके बाद पूरे भारत के राज व्यवस्था और संविधान से संबंधित लगभग हमारा पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, और यदि इतना पूरा कर लेते हैं तो जो कोई भी एग्जामिनेशन हो, बीपीएससी तक की, यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, बीपीएससी के एग्जामिनेशन तक आप कोई भी क्वेश्चन रहे ना, तो आपको स्थानीय रूप से उसको बना डालिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को माना गया है। हमसे यदि पूछा जाए कोई बच्चे, सर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ का। चलिए, अशोक स्तंभ की बात किया जाए तो देखिए, अशोक स्तंभ जो है ना, वो बनारस में या वाराणसी में एक सारनाथ जगह है, वहां से इस हमारे भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ को लिया गया है। उसके दो पार्ट है, ऊपरी पार्ट और निचली पार्ट, मैं एक एक करके अध्ययन करूंगा। उसको राजा अशोक के द्वारा इसको बनवाया गया था। चलिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। हमसे कोई भी पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो कहेंगे अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ लिया गया, कहां से लिया गया, कौन सा जगह से उठाया गया है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय जो चिन्ह है अशोक स्तंभ, तो वो सारनाथ से लिया गया, जो कि सारनाथ एक बनारस वाराणसी उत्तर प्रदेश में एक जिला है, वहां से उठाया गया। चलिए, ये भी पूछा जाता है अशोक स्तंभ का निर्माण किसने कराया था, तो राजा अशोक, राजा सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। अब जिस तरह से भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, राष्ट्रीय गान को अपनाया था, मैंने उसके तिथि के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं, तो उसी तरह से भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, इसको अपनाया कब गया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था, जिस दिन हमारा देश मिल भारतीय संविधान भारतों के द्वारा, भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो लिखा गया था उसको जो लागू किया गया था, उसी दिन सेम टू सेम हमारे भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है उसको भारत सरकार के द्वारा अपनाया गया था। तो अशोक स्तंभ को भारत सरकार ने अपनाया गया था, तो याद रखेंगे डेट 26 जनवरी 1950। देखिए दोस्तों, ये जो हम लिखे हुए ना रफली, ये मेरा यही अशोक स्तंभ है, जिसका ये पूरा ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट है। ऊपर में जो देख रहे हैं 1, 2, 3 और एक पीछे से 4, वहां पर शेर की निशान है, 4 शेर है। राइट साइड में यानी दायां साइड में बैल है, और बायां साइड में ये घोड़ा, और बीच में एक चक्र है, और निचले पॉइंट में एक बहुत ही अच्छे वाक्य का प्रयोग किया गया है, आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। तो मेरा ये अशोक स्तंभ है। इसी तरह का देखिएगा, कोई भी भारत सरकार का वर्क होता है, पेपर होता है, इसमें किसी तरह का कुछ शेर का गोल टाइप का लगा दिया जाता है, ये हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो आइए, अशोक स्तंभ में कुल जानवरों की संख्या, ये भी पूछा जाता है कभी कभी, हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ रखा है, उसमें जानवर की संख्या कितना है, तो कुल कहेंगे 6। यदि जानवर की संख्या हमसे पूछा जाए तो सिर्फ 6, बट यही हमसे पूछा गया भारत की जो चिन्ह है अशोक स्तंभ, इसमें शेर की संख्या कितना है, बैल की संख्या कितना है, और घोड़ा की संख्या कितना है। तो उस पूरे अशोक स्तंभ में जानवर कुल 6 होगा, मगर हमसे ये पूछा जाए शेर की संख्या, तो कहेंगे 4, बैल की संख्या 1, और घोड़ा की संख्या 1, तो कुल कुल 6 हो गया। तो जानवर यदि पूछा जाए ना, तो 6 कहेंगे,
शेर की संख्या पूछा जाएगा तो चार बोलेंगे, बैल की संख्या बोला जाए तो वो एक कहेंगे, और घोड़ा की संख्या बोला जाए तो एक बोलेंगे। चलिए दोस्तों, जिस तरह से भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया श्वेत और हरा है और सबका अपना अपना प्रतीक चिन्ह है, इसका अर्थ क्या होता है, उसी तरह से हमारे जो अशोक का स्तंभ है तो उसमें भी शेर का क्या मतलब है, घोड़ा का मतलब क्या होता है और बैल का मतलब क्या है। चलिए ये तीन पॉइंट महत्वपूर्ण है। तो अशोक स्तंभ में शेर का क्या मतलब है, क्या प्रतीक है, तो साहस एवं शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों जिस तरह से शेर एक साहस का परिचय देता है, शक्ति का परिचय देता है, उसी तरह से हमारे ये राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो अशोक स्तंभ है इसमें शेर जो रहता है उसका मतलब होता है साहस और शक्ति का प्रतीक है। वही बैल की मतलब होता है, जिस तरह से बैल हमारे समाज में हमारे देश में पहले, अभी तो ऐसा नहीं, बैल से पहले कृषि किया जाता था, वो क्या होता है, कठिन परिश्रम के द्वारा किसानों के द्वारा हमारे देश के नागरिकों को भोजन की व्यवस्था करते थे। तो हम लोग वहाँ पे जो कृषि करता था मैक्सिमम बैल के माध्यम से किया जाता था। तो यहाँ पर जो बैल है दाई साइड, तो अशोक स्तंभ में बैल का मतलब कठिन परिश्रम होता है जो दाई ओर है। कभी पूछा जाता है भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है बैल किस तरफ है या दाई साइड क्या है, तो हम कहेंगे कठिन बैल, और वहीं पे ये बाई साइड है वहां पर घोड़ा होता है। तो अशोक स्तंभ में घोड़ा का प्रतीक ताकत एवं गति, जिस तरह से घोड़ा भी एक ताकतवर होता है। पहले तो अब तो बहुत तरह की गाड़ी आ गई है, यदि हम कुछ साल पहले चले तो मैक्सिमम व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जो जाने की जो प्रथा होती थी ना, वो घोड़ा गाड़ी होता था, टमटम होता था, उसमें घोड़ा 10 आदमी 5 आदमी को खींचता था। तो ताकत की पहचान है, साथ साथ ये गति प्रदान भी करता था। इसलिए हमारे अशोक स्तंभ में जो घोड़ा का प्रतीक होता है वो ताकत और गति का होता है, जो कि अशोक स्तंभ में बाई ओर होता है। तो ये दोस्तों आपने यहाँ तक देखा होगा, आशा करते हैं आप ये समझ रहे होंगे। चलिए अशोक स्तंभ के नीचे आदर्श वर्ग, क्योंकि इस अशोक स्तंभ के नीचे एक वाक्य लिया गया है, जिस वाक्य का हम लोग आगे करेंगे कहां से लिया गया उसकी भी जिक्र करूंगा। तो पूछा जाता है अशोक स्तंभ के नीचे आदर्श वाक्य क्या लिखा हुआ है, तो सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का मतलब होता है सत्य का हमेशा जय जयकार होती है, जीत होती है। तो इसलिए सत्यमेव जयते हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में नीचे में इस चीज को लिखा गया है। तो चलिए अशोक स्तंभ के नीचे आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते जो होता है ना वो मुंडको उपनिषद हमारे भारत के प्राचीन ग्रंथ है। हम जानते हैं, एक दोस्त आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है हमारे भारतीय संस्कृति में उपनिषदों की संख्या कितनी है। उसी उपनिषदों में एक उपनिषद है मुंडको उपनिषद, इसी मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। तो पूछा जाता है हमारे भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, कहां से लिया गया है, तो कहिएगा मुंडको उपनिषद से लिया गया। चलिए अब चलते हैं यहां से, मैं कुछ महत्वपूर्ण लगभग लगभग 20 से 22 क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों को बताया हूँ। ये भी गौर से आप देखेंगे 10 मिनट में, मैं काफी डिटेल्स में इस चीज को जिक्र करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों हमारे देश में एक हिंदी कैलेंडर है जिसको कहते हैं सक्षम, और एक इंग्लिश कैलेंडर है जिसमें जनवरी फरवरी रहता है, उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर कहता है। और हमारे देश में दोनों का एक समान वैल्यू है। हम लोग मैक्सिमम जो वर्क है, जितने भी सरकारी वर्क होता है, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के माध्यम से करते हैं, और कहीं ना कहीं जो शक संबद्ध कैलेंडर है उसका भी सेम टू सेम वैल्यू होती है। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करना है। तो भारत का जिस तरह से राष्ट्रीय गीत था, भारत का राष्ट्रीय ध्वज था, राष्ट्रीय चिन्ह था, राष्ट्रीय गान है, उसी तरह से हमारे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। किस पूछा जाता है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है शक संबद्ध पर आधारित है। और शक संबद्ध जो स्टार्ट किया गया था ना वो 78 ईस्वी में स्टार्ट किया था, वो कुषाण वंश के एक राजा थे, बहुत प्रतापी राजा थे कनिष्क के द्वारा। तो पूछा जाता है जो वर्तमान में हमारे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक संबद्ध, इसकी शुरुआत किसने किया था, कब किया गया था, तो हम कहेंगे 78 ईस्वी में। और इसकी शुरुआत करने वाला जो थे ना कुषाण वंश के एक बहुत प्रतापी राजा जो थे कनिष्क के द्वारा किया गया था। तो देखिए दोस्तों शक संबद्ध की शुरुआत किया गया था 78 AD में, और किसके द्वारा किया गया था, तो कुषाण वंश के एक प्रतापी राजा था कनिष्क के द्वारा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे देश के जो राष्ट्रीय कैलेंडर शक संबद्ध है उसकी शुरुआत किसने करवाया था, तो
78 एडी में तो हुआ था, मगर किस वंश के राजा थे कनिष्क? कुषाण वंश के राजा थे, कुषाण वंश के राजा कनिष्क के द्वारा किया गया था। आइए, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत के अनुसार पहला महीना क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, या हिंदी कैलेंडर भी इसको कहते हैं हम लोग। तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत के अनुसार पहला मास क्या होता है, पहला महीना क्या होता है? चैत होता है दोस्तों, याद रखिएगा, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़। उसी तरह से जैसे हम लोग को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार पहला जो मास होता है, पहला महीना होता है, महीना जो होता है वो जनवरी होता है। मगर यदि हमारे भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर की बात किया जाए, जिसको हिंदी कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं, शक संगत शक संबत कैलेंडर के भी नाम से जानते हैं, उसका जो प्रथम महीना जो होता है वो चैत होता है, चैत्र भी बोलते हैं, और ऐसे बोलचाल की भाषा चैत बोलते हैं, मगर चैत्र होता है। चलिए आगे चलते हैं। उसी शक संबत या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर या हिंदी कैलेंडर के अनुसार अंतिम मास या अंतिम महीना कौन होता है? हम लोग करेंगे भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर या शक संवत के अनुसार अंतिम जो मास होता है वो फागुन होता है, जिसको फाल्गुन का भी कहते हैं। तो हिंदी शक संवत का पहला जो मास होता है वो चैत्र हुआ, और अंतिम जो होता है वो फागुन होता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था दोस्तों, जिस तरह से हम जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, उसी तरह से राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था, एक डेट था संविधान सभा द्वारा, राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। मैंने सारी चीज में डिस्कशन कर चुका हूं। यदि दोस्तों ये वीडियो आप देख रहे हैं और इसके बारे में, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में काफी अध्ययन करना चाहते हैं, इसके काफी डिटेल जानना चाहते हैं, तो जाइए भाग 1 और भाग 2 मैंने अपलोड किया हूं, आप भारतीय राज व्यवस्था और संविधान का प्ले लिस्ट में जाइए, और वहां पर लिखा हुआ है, काफी डिटेल्स में लिखा हुआ है, आप इसको देखिए, तब जाके ये वीडियो को देख रहे हैं तब देखिए। यदि तीनों वीडियो आप, मैंने लिख दिया भाग 3, अब तीनों वीडियो इसके बाद देख लेते हैं ना, तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज, भारत के राष्ट्रीय गान, भारत के राष्ट्रीय गीत, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर, और बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसके बारे में काफी डिटेल्स हो जाती है, और कोई ना कोई एग्जामिनेशन में इस तरह की क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। तो भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर को जो अपनाया गया था वो 22 मार्च 1957 ईस्वी को मनाया गया था, माना गया था, अपनाया गया था। तो पूछा जाता है भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है उसको भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था, तो याद रखिएगा 22 मार्च 1957। चलिए, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत समानता शुरू होता है, जिस तरह से जनवरी फरवरी में ग्रेगोरियन कैलेंडर में जो 22 तारीख होता है ना, 22 मार्च सॉरी 22 जो मार्च होता है ना, 22 मार्च याद रखेंगे, उसी दिन से पहला हिंदी यानी एक चैत्र का पहला दिन होता है। तो यहां पर ग्रेगोरियन के अनुसार 22 मार्च और हिंदी का, हिंदी जो कैलेंडर होता है या शक संवत कैलेंडर होता है या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर होता है उसका पहला दिन होता है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रीय कैलेंडर या शक संवत समानता शुरू होती है तो 22 मार्च से शुरू होती है, मगर ग्रेगोरियन कैलेंडर जो शुरुआत होता है वो 1 जनवरी से शुरुआत होती है, और हिंदी या शक संवत जो शुरुआत होती है वो 22 मार्च से शुरुआत होता है। चलिए आते हैं, और हमारे देश में कुछ प्रचलित कैलेंडर है उसके बारे में भी जान लेते हैं। विक्रम संवत जो कि समानता नेपाल से शुरुआत हुई है, कुछ कुछ वैसे नेपाल की तरह ही है, नेपाल में इस कैलेंडर की भी हम लोग यूज करते हैं। तो विक्रम संवत की शुरुआत किया गया था 58 BC में, ये बिफोर क्रिस्ट की बात हो रही है। आइए, हिजरी संवत की शुरुआत जो कि इस्लाम धर्म में प्रचलित है, तो हिजरी संवत की शुरुआत किया गया था 622 AD में, और पूछा जाता है कि उस हिजरी संवत है 622 AD में स्टार्ट किया गया था किस उपलब्धि में, किस उपलक्ष्य में? तो जानते हैं मोहम्मद साहब के द्वारा जब मक्का से, मक्का छोड़कर मदीना जाने चले गए होते 622 ईस्वी में, उसी के उपलक्ष्य में हिजरी संवत की शुरुआत किया गया था। तो मोहम्मद साहब के द्वारा मक्का छोड़कर मदीना जाने के उपलक्ष्य में इस्लामो द्वारा, इस्लाम के जो फ्लोर के द्वारा 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत किया गया था। तो चलिए, हिजरी संवत की शुरुआत किया गया था 622 AD में मोहम्मद साहब के द्वारा मक्का छोड़कर मदीना जाने के उपलक्ष्य में। आइए दोस्तों, अब हमारे भारत के कुछ राष्ट्रीय नदी होती है, राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय ध्वज गीत है, उसके बारे में 5 मिनट हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, जो पिंक कलर का होना चाहिए, गुलाबी कलर का होना चाहिए, वो हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर या मोर भी बोलते हैं, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर जिसको
1972 में भारत सरकार के द्वारा पूर्ण संरक्षण दिया गया। मतलब क्या, हमारे देश में यदि कोई मयूर को हानि पहुंचाती है, मारती है, तो उसको कानूनी कार्रवाई के तहत दंड दिया जाता है। तो वह पूर्ण संरक्षण की बात किया गया, क्योंकि हमारे भारत का ये राष्ट्रीय पक्षी है, उसको मारना दंडनीय अपराध है, इसलिए हम इसको नहीं मार सकते हैं, भारत सरकार के कानूनी उल्लंघन होगा। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मयूर पूछा जाता है, इसको पूर्ण संरक्षण कब मिला गया, 1972 में। आइए आगे चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ होता है। दोस्तों हम आपसे दो क्वेश्चन फिर कमेंट बॉक्स में जानना चाहेंगे, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है और भारत का राष्ट्रीय फल आम है, इस दोनों को, बाघ को और आम का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन बार बार देखते हैं, छोटे बड़े एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो बाघ और आम का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या होती है, उसके बारे में जाना। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पशु जो है ना, बाघ है, उसको 1973 से बाघ परियोजना प्रारंभ किया गया है। मतलब बाघों का संरक्षण, बाघों का विकास, हमारे भारत में बाघों की संख्या किस तरह से लगातार बढ़ी, उसकी संरक्षण की बात, ये टोटल 1973 से शुरुआत हो गई है। तो आइए, भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है, 1973 में से बाघ परियोजना प्रारंभ किया गया। दोस्तों एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो भी क्वेश्चन पूछता हूं इससे क्या होगा, दूसरे बच्चे जब कमेंट को देखेंगे तो उसको भी इस चीज की जानकारी होगा, इसलिए आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम इस पे कमेंट कीजिए, बताइए वर्तमान में 2020 के अनुसार किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है, और दूसरा भी बताना है, प्रथम किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे ज्यादा है, और दूसरा राज्य कौन है जिसमें इसके बाद उस राज्य के बाद उस दूसरा स्थान आता है। चलिए अब आइए, भारत का राष्ट्रीय फल आम है, सभी बच्चे जानते होंगे। राष्ट्रीय मिठाई की बात किया जाए तो जलेबी है, राष्ट्रीय नदी की बात किया जाए तो गंगा है, और राष्ट्रीय वृक्ष की बात किया जाए तो बरगद का पेड़ है। राष्ट्रीय पर्व की बात किया जाए तो हमारे देश में तीन डेट है जो राष्ट्रीय पर्व के नाम से जानते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। ये जो दो दिन है, यानी महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर, ये तीन दिन हमारे भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय पर्व के रूप में से बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। उस दिन पूरे भारत सरकार के द्वारा या राज्य सरकार द्वारा छुट्टी होती है। तो आइए, राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। राष्ट्रीय ध्वज की हिंद देश का प्यारा झंडा, रचयिता श्यामालाल गुप्ता। राष्ट्रीय धर्म, धर्म निरपेक्षता। राष्ट्रीय विदेश नीति, गुट निरपेक्षता। एक मिनट दोस्तों, राष्ट्रीय धर्म, धर्म निरपेक्षता। राष्ट्रीय विदेश नीति, गुट निरपेक्षता। इसके बाद राष्ट्रीय वाद्य यंत्र पूछा जाता है, सितार। सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र, और सर्वोच्च सैनिक और सैनिक सम्मान भारत रत्न। तो दोस्तों आशा करते हैं आपने पूरा वीडियो देखा होगा, अच्छा लगा होगा। यदि कोई आपको इस वीडियो में कमी लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स बहुत ही जल्दी करें, मैं कोशिश करूंगा। मैं हर एक वीडियो का अंत में बोलता हूं, कुछ सजेस्ट किया आप लोग, किसी टॉपिक पे डिस्कशन करना है, किसी टॉपिक आने वाले एग्जामिनेशन में आपको कोई टॉपिक में कुछ वीक पॉइंट है तो मुझे बताइए, मैं जरूर समय निकाल के आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उस टॉपिक पे, जो कि संपूर्ण ज्ञान आपको मिल सके। दोस्तों इसी के साथ मैं विदा चाहता हूं, थैंक यू वेरी मच, आपने अंत तक वीडियो को देखते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लूंगा, बहुत ही जल्दी भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।